सबसे पहले चार पंक्तियां आप लोगों के लिए, और शायरी का एक थंब रूल होता है, जब शायरी हम बोलते हैं तो वहां और तालियां बजानी पड़ती है, ठीक है? तो मैं सुनाता हूं कि हर खुशी खुशी मांगे आपसे, वाह करो। बाबा रामदेव भी कहते हैं करने से होता है। मुझे मिल गए थे पिछले दिनों हरिद्वार में, तो बोले कि देखो अनुपम मैंने ये मंजन निकाला है। मैंने कहा इसका फायदा क्या है? बोले इसमें जावित्री है, लवंग है, जायफल है। मैंने कहा बाबा मंजन करना है, हवन थोड़ी करना है। कि हर खुशी खुशी मांगे आपसे, जिंदगी थी जिंदगी मांगे आपसे, उजाला हो आपके मुकद्दर में इतना कि बिजली वाले खुद कनेक्शन मांगे आपसे। मैं वैसे मोहब्बत पे लिखता हूं। अभी एक लड़के ने हाथ उठाया था जब कृष्णा पढ़ रहा था, किसने उठाया था हाथ? प्यार के लिए उसने पूछा था गली मोहल्ले वाले इश्क हुआ है कि नहीं हुआ, छुपके बैठा है। चलो कोई बात, कनेक्ट करिएगा कि बिखरती धूप में जब भी घटा काली सी छाई है, वाह करो। बिखरती धूप में जब भी घटा काली सी छाई है, किसी सुनसान में जब भी कली एक मुस्कुराई है, मेरे लफ्जों ने जब भी शाम में महफिल सजाई है, तुम्हारी याद तब तक बन गजल होठों पे आई है। अभी पिछले दिनों में देहरादून गया, तो देहरादून में मैं बीमार हो गया, तो मेरा एक दोस्त है उसके पापा का प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो उसमें मुझे एडमिट करा दिया, प्राइवेट वार्ड मिला था। अब देहरादून का हॉस्पिटल, वहां की नर्सेज भी बहुत अच्छी होती हैं। सुबह सुबह एक नर्स भाई साहब जुल्म बिखेरती हुई और इत्र बरसाती हुई आई और दो उंगलियां मेरी पल्स पे रख के बोली, हाय राम आपकी नब्ज तो बहुत तेज चल रही है। मैंने कहा देवी जी ऐसी हरकत आप मेरे सामने करोगी तो पल्स के हरीश जी के तेज चलेंगे। और सुनाता हूं और बांधने की कोशिश करता हूं आपको कि हजारों ख्वाब मेरे जो तेरे चेहरे में अटके हैं, तुम वो लोग हो कि जिन्होंने सत्यनारायण की कथा कम से कम 50 बार सुनी होगी, लेकिन जब तक पंडित जी ना कहेंगे फूल छोड़ो। हजारों ख्वाब मेरे जो तेरे चेहरे में अटके हैं, ये रास्ता जिंदगी का हम तेरी आंखों में भटके हैं, लगी है आग सावन में ये बादल जल रहे हैं यूं, भरी बरसात में उसने जो भीगे बाल झुके हैं। कश्मकश में है कुछ दिन से मेरा सफर, कश्मकश में है कुछ दिन से मेरा सफर, कश्मकश में है कुछ दिन से मेरा सफर, ना सुबह रात में है ना दिन में बशर, उलझने ये सभी दूर हो जाएंगी, तू मुझे देखकर मुस्कुरा दे। अच्छा फरीदाबाद यहाँ पे है, मथुरा पास में ही है, और मथुरा वृंदावन दो लोगों के लिए बहुत मशहूर है, श्री राधा कृष्ण। ये मथुरा से हैं? अच्छा सर आप इस पोएट्री को बहुत बखूबी समझ सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि मैं प्यार पे लिखता हूं, और इस पूरी दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में अगर प्यार के दो सबसे बड़े स्वरूप हैं तो वही राधा है एक कृष्ण है। मेरी ये पोएट्री उन्हीं को ध्यान में रखते हुए और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आप सुन, ठीक है? कि मैं मंद सुगंध गंभीर पवन, मैं मंद सुगंध गंभीर पवन, तू इत्र की एक फुलवारी है, मैं तेरे मन का मोहन हूं, तू मेरी राधा प्यारी है। पहला वंश है कि मैं तेरे प्रेम की सरिता में, सरिता कहते हैं नदी को, मैं तेरे प्रेम की सरिता में नित गोते नहीं लगाता हूं, दृक पलकों की इस खिड़की से दर्शन तेरे ही पाता हूं, इन नैनों ने पल पल इस दिन तेरी तस्वीर निहारी है, मैं तेरे मन का मोहन हूं, तू मेरी राधा प्यारी। तुम्हारी तालियां बहुत कमजोर है। मुझे स्वर व्यंजन का ज्ञान नहीं, मुझे स्वर व्यंजन का ज्ञान नहीं, ये प्रेम की मीठी बोली है, बड़ी अद्भुत सी है प्रिय मेरी ये प्रीत की रीत निगोली है, वो करता है बस त्याग सदा, वो करता है बस त्याग सदा, जो प्रेम का सत्य पुजारी है, मैं तेरे मन का मोहन हूं, तू मेरी राधा प्यारी। आखिरी बार सुनिए कि जब मौन को धारण करता हूं, जब मौन को धारण करता हूं, तब बातें खुद से होती हैं, तब आंसू के पावन जल से ये आंखें हमको धोती हैं। और किसी ने कहा था मुझसे इतनी मोहब्बत मत करो, मेरी जिंदगी में दुख बहुत है, उसके लिए मैंने लिखा था, तुमसे भी कहा था कि किसी ने हंस रहे हो।
जब मौन को धारण करता हूं तब बातें खुद से होती हैं, तब आंसू के पावन जल से ये आंखें हमको धोती हैं। दुख अगर धरोहर तेरी तो अनुपम दुख का व्यापारी है, मैं तेरे मन का मोहन हूं तू मेरी राधा प्यारी। अच्छा, पुराने जमाने में जो ट्रेनों से कुछ लोग शायरी लिखते थे और उनके काफी इस तरह मिलते थे, भाई सब पूछो मत। पहले शायरी चलती थी सीसी भरी गुलाब, उसमें शीन होता ही नहीं था। सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दूं, पैदा थे अपने आप कर लेता था वो। सीसी भरी गुलाब पत्थर पे फोड़ दूं तो जैसी मिल जाए तो घर वालों को छोड़ दूं।